राजीव, एंडी, निधि और नैना पांचों मदरसे में पढ़ाई करते थे। मदरसे की छुट्टियों के दौरान पांचों गाड़ियों में बैठकर बेला पहाड़ी के जंगल में घूमने का प्रोग्राम बना रहे थे। सुना है बेला पहाड़ी का जंगल खौफनाक है। ये सब बकवास है यार। हर बात बकवास नहीं होती राजीव, तू तो वैसे ही भट्टू है, डरपोक कहीं का। अब बहस बंद करो यार और चलो बेला पहाड़ी ही चलते हैं। सुना है वहाँ किसी किन्नर की रूह घूमती है। नैना के इतना बोलते ही राजीव ने गाड़ी को पूरी रफ्तार से बेलापुर के जंगल की ओर दौड़ा दिया और कुछ ही घंटों में वो सब बेलापुर के घने जंगल में पहुंच गए। रात हो चुकी थी, उन सब ने घने जंगल में अपना तंबू गाड़ दिया, मगर एंडी को वहाँ पर कुछ अजीब सा लग रहा था। वो रात में चुपचाप उन्हें बिना बताए वो वहाँ से चला गया कि अचानक आधी रात में निधि की चीख से राहुल और नैना घबरा कर बाहर निकल आए। उनके सामने राहुल का जिस्म पेड़ पर लटका हुआ देखकर राजीव और नैना के हाथ पैर फूल गए। ये सब कैसे हुआ निधि? राहुल को किसने मारा? राहुल, मैं और टेंट में बातें कर रहे थे कि तभी राहुल को आभास हुआ जैसे कोई बाहर से अंदर झांक रहा हो। राहुल टेंट के बाहर निकल गया। कुछ देर बाद राहुल की घुटी हुई आवाज सुनकर जब मैं बाहर आई तो क्या निधि, आगे बोलो, क्या देखा तुमने? मैंने देखा राहुल का जिस्म पेड़ पर लटका हुआ था और एक बेहद भयानक जरे वाली किन्नर राहुल का मांस खा रही थी। अचानक वो धुआं बनकर मेरी नजरों से ओझल हो गई। इसका मतलब इस जगह के बारे में लगता है बेला नाम की किन्नरों की रूह यहाँ सच में रहती है और ये सब सही है। तुम किन अफवाहों की बात कर रहे हो राजीव? ये सब बताने का अभी वक्त नहीं है नैना, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। हम यहाँ पर अब और नहीं ठहर सकते, हम सबकी जान को खतरा है। लेकिन एंडी, वो इस वक्त कहाँ है? तभी अचानक देखते ही देखते बेहद तेज हवा चलने लगी और कुछ ही देर में उस हवा ने एक तूफान का रूप ले लिया। तभी आसमान में तेज आवाज में गड़गड़ाहट होने लगी। वो आवाज इतनी तेज थी कि उनके दिल दहलने लगे। कुछ ही वक्त के बाद अचानक तूफान थम गया और बेहद तेज बारिश होने लगी। उन चारों की आंखें दहशत के मारे फटी की फटी रह गई क्योंकि वो खून की बारिश हो रही थी। भागो यहां से! इतना कहकर नैना ने अपने कदम भागने के लिए बढ़ाए ही थे कि चारों तरफ अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। ऐसा लगता था मानो बहुत से किन्नर चिल्लाते हुए उनकी ओर बढ़े चले आ रहे हैं। तभी नैना को सामने एक बेहद भयानक काला साया दिखाई देने लगा। देखते ही देखते बेहद भयानक लग रहा था। देखते देखते वो भयानक साया नैना के सामने आकर खड़ा हो गया। नैना ने देखा कि वो करीब 6 फीट की औरत थी जिसने साड़ी पहन रखी थी। कौन हो तुम? बेला। भयानक चेहरा देखकर नैना और सभी के मुंह से जोरदार चीख निकल गई। वो एक किन्नर था जिसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। नैना को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पैर जमीन में गड़ गए हो। अचानक उसने नैना की गर्दन अपने हाथों से दबोच ली और एक ही झटके में उसका सर उसके धड़ से अलग कर दिया। नैना की दिल दहला देने वाली चीख उस जंगल में गूंज गई। कुछ ही देर में उस भयानक औरत ने राजीव और निधि के भी साथ वही किया। दोनों की दिल दहला देने वाली चीख से सारा जंगल सिहर उठा। उधर एंडी को चलते चलते एक बेहद पुराना महल दिखाई दिया। वो उस महल की ओर बढ़ने ही वाला था कि तभी पीछे से आकर किसी ने उसे पकड़ लिया। एंडी ने देखा कि वो एक साधु था। वहाँ मत जाओ बेटा, कौन है आप? मैं एक तपस्वी हूँ। तभी एंडी के कानों में उसके सारे दोस्तों की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई पड़ी। ये तो मेरे दोस्तों की चीखने की आवाज़ है, लगता है वो सब मुसीबत में है। ये क्या हो रहा है?
कोई फायदा नहीं बेटा, उनकी चीखें बता रही हैं कि बेला ने अपना शिकार बना लिया है उन लोगों को, अब वहां जाना बेकार है बेटा। लेकिन मेरे सारे दोस्त मुसीबत में हैं बाबा, मैं उन सबको अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? इस वक्त अगर तुम वहां पर जाओगे तो तुम्हारा अंजाम भी तुम्हारे दोस्तों की तरह ही होगा। तभी उन दोनों के कानों में एक किन्नर की बेहद भयानक आवाज सुनाई दी। ये बेला की आवाज है। ये बेला कौन है और इसके बारे में मैंने कई कहानियां सुनी है, और जहां तक मुझे पता है उसी के नाम से इस पहाड़ी का नाम बेला पहाड़ी रखा है। वो कहानियां झूठी नहीं है बेटा, बहुत सालों पहले ये इलाका राजा संग्राम सिंह के राज्य में आता था। कहते हैं कि उस जमाने में बेला नाम का बड़ा सुंदर किन्नर रहता था, जो राजा संग्राम सिंह का महल का बेहद वफादार था। वो राजा के महल में बेल के फूल लाने का और ले जाने का काम किया करता था। राजा संग्राम सिंह ने उसकी वफादारी से खुश होकर इस पहाड़ी का नाम उसी के नाम पर रख दिया। राजा संग्राम सिंह की बेगम बेहद खूबसूरत थी, उसने अपनी बेगम की देखरेख के लिए भी बेला किन्नर को रखा हुआ था। संग्राम सिंह की बेगम दिल ही दिल में बेला को पसंद करने लगी थी। ये क्या कह रहे हैं आप, एक खातून एक किन्नर को कैसे पसंद कर सकती है? बेला बहुत सुंदर किन्नर था और प्यार जाति वगैरह ये सब नहीं देखता। बेला भी संग्राम सिंह की बेगम से प्यार करने लगा था, और एक दिन अचानक जब संग्राम सिंह अपनी बेगम के कमरे में घुसे तो उसने बेला और अपनी बेगम को आपत्तिजनक अवस्था में पाया। ये देखकर संग्राम सिंह गुस्से से आग बबूला हो गए। उसने रात को इसी जंगल में लाकर बेला को जिंदा जलवा दिया, मगर वो काली अमावस की रात थी। उसकी रूह आज भी इस इलाके में भटकती है। वो जब भी किसी लड़की और लड़के को साथ में देखता है तो वो उनका प्यार पूरा होने से पहले ही उन्हें बेदर्दी से मार देता है। लेकिन बाबा, उसे खत्म करने का कोई तो तरीका होगा। एक तरीका है, लेकिन वो बहुत मुश्किल है। कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। उस महल को देख रहे हो ना तुम? कहते हैं जब भी कोई साधारण इंसान उस महल में दिखाई देता है तो उस वक्त उस महल में वही घटना बार बार चल रही होती है। मैं आपकी बात का मकसद नहीं समझा। मतलब ये समय का चक्र है जो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त उस महल में वही घटना चल रही है? हाँ, अगर कोई ऐसा इंसान जिसने किसी बेगम को छुआ ना हो, अगर वो इंसान वक्त में पीछे जाकर इस महल के अंदर घुसकर बेला को मार दे तो बेला खत्म हो जाएगा। तो फिर मैं तैयार हूँ कि मैंने किसी खातून को आज तक हाथ नहीं लगाया। तो फिर देर मत करो, जल्दी जाओ, क्योंकि इसके बाद ये वक्त कितने सालों बाद आएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। एंडी तुरंत उस महल के अंदर घुस गया। उसने देखा कि एक कमरे में बेहद सुंदर किन्नर और एक बेहद सुंदर स्त्री एक दूसरे के आगोश में समाये हुए थे। एंडी समझ गया कि वो बेला ही है। एंडी बगैर देर किए उसके पास पहुंच जाता है। अपने पास एक अजनबी को देखकर बेला ने चौंक कर कहा, कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। इतना कहकर एंडी ने उस चाकू से बेला की गर्दन काट दी। बेला की गर्दन काटते ही एंडी को सब कुछ घूमता हुआ महसूस हुआ और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। आंख खुलने के बाद उसने अपने आप को उसी जगह पर पाया, लेकिन वहां पर कोई साधु मौजूद नहीं था। एंडी भागता हुआ उसी जगह पर पहुंच गया जहां पर उसके दोस्त थे, मगर उसने देखा कि उसके चारों दोस्तों के जिस्म दरख्त पर टंगे हुए थे। सुबह के सूरज की पहली किरण निकल चुकी थी। एंडी उदास होकर उस जंगल से चला गया। वो समझ चुका था कि बेला का खात्मा हो चुका था। आधी रात का वक्त था। गांव के सभी लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। भीमा रात के वक्त अपने खेतों की सिंचाई करने की तैयारी कर रहा था, मगर उसकी बीवी रुक्मिणी उसे जाने से रोक रही थी। अगर आपको अपने खेतों की सिंचाई करनी है तो आप सुबह चले जाइए, आधी रात को जाने की क्या जरूरत है? आप सुन नहीं रहे हैं, कुत्तों के रोने की आवाज लगातार आ रही है।
खेतों को सिंचाई की जरूरत अभी है और मैं सुबह जाऊं? रुक्मणी, मेरा अभी जाना जरूरी है, नहीं तो पूरी फसल खराब हो जाएगी और कुत्ते तो अक्सर रात में रोते ही हैं। लोग कहते हैं कि जब भी रात के वक्त कुत्ते रोते हैं, उस जंगल के पुराने खंडहर के आसपास कुछ अपशगन जरूर होता है और लोग रहस्यमय तरीके से लापता हो जाते हैं जिनका कभी कुछ पता नहीं चलता। तुम ही ना रुक्मणी, हद करती हो, मैं इन बातों को नहीं मानता। नहीं जी, आप मेरा कहना मानिए, आप आज मत जाइए, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। मुझे मत रोको रुक्मणी, मैं अकेला नहीं जा रहा, मैं मेरे दोस्त राजन को भी साथ लेके जा रहा हूँ। इतना कहकर भीमा चला गया। सर्द रात में राजन और उसका पड़ोसी भीमा खेतों की सिंचाई करने चले गए। ठंड अपने पूरे शबाब पर थी। उन दोनों ने सर्दी से बचाव के लिए आग जला ली थी। वो दोनों उस मनहूस खंडहर से ज्यादा दूरी पर नहीं थे। अचानक उन दोनों के कानों में एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। चीख किसी औरत की थी। चीख सुनकर राजन के तन बदन में डर की एक लहर सी दौड़ गई। भीमा, तुमने कुछ सुना? भीमा जो अपने नाम के जैसे ही लंबा तगड़ा आदमी था और बोला, हाँ मैंने भी वो चीख साफ साफ सुनी है, उस जो उस खंडर के बाजू से आई है। तभी अचानक फिर से बचाओ बचाओ के साथ रोने और चिल्लाने की आवाजें फिर से सुनाई देने लगी। ये सब सुनकर दोनों परेशान हो गए। अचानक मन में कुछ सोचकर भीमा ने हाथ में लाठी उठा ली और खंडहर की ओर चल दिया। ये क्या पागलपन कर रहे हो भीमा, हमें यहाँ से चलना चाहिए, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है और वैसे भी मैं आने के लिए तैयार नहीं था, यहाँ सिर्फ तेरी वजह से आया हूँ मैं यहाँ। चल हट डरपोक कहीं का, जरा सोच कर देख, या कोई सच में अबला लड़की कोई खतरे में हो तो हम उसकी मदद ना करें, हम उसे यूं ही छोड़ दें क्या मरने के लिए? भीमा के इस सवाल से राजन चुप हो गया और भीमा भागते हुए कुछ ही वक्त में उस भयानक जंगल में घुस गया। थोड़ी देर बाद ही वो दोनों घने जंगल के बीचों बीच खड़े थे। घने कोहरे में वो दोनों आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश कर रहे थे। इतनी देर में एक बार फिर से उस औरत की चीखें उनकी कानों में पड़ी। भीमा और राजन चीख की दिशा में भागने लगे। वो दोनों थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि तभी सामने से कोई बहुत तेजी से भागा आया और सीधा भीमा से आकर टकरा गया और वो धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। उससे टकराने वाली एक औरत थी। डर के मारे वो भीमा से लिपट सी गई और चीखते हुए कह रही थी, मामा मामा मुझे बचा लो, वो लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। इतना कहकर वो भीमा की बाहों में ही अपने होशों हवास खो बैठी और बेहोश हो गई। भीमा उसकी खूबसूरती देखकर अपनी सुध-बुध खो बैठा और राजन की ओर देखते हुए कहा, जा जल्दी से पानी लेकर आ, क्योंकि इसे होश में लाना जरूरी है। होश में आ भीमा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, जरा गौर कर, यहाँ इस औरत के अलावा और कोई इंसान दिख नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर तू नहीं जाएगा तो फिर मैं ही चला जाऊंगा। ठीक है, मैं जाता हूँ। राजन पानी लेने वहाँ से चल पड़ा। वहाँ थोड़ी दूर पर ही वो मनहूस खंडहर भी मौजूद था। उसके करीब ही एक पुराना कुआं भी मौजूद था। राजन उस कुएं के पास जैसे ही पहुँचा, अचानक उस खंडहर से सैकड़ों घुंघरुओं की आवाजें आने लगी और देखते ही देखते वो खंडहर रोशनी से जगमगा उठा। अचानक राजन के कानों में भीमा के दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। राजन तुरंत भीमा की ओर दौड़ने लगा, लेकिन जैसे ही वो भीमा के करीब पहुंचा, तो सामने का मंजर देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके सामने एक बेहद भयानक काले चेहरे वाली औरत खड़ी थी और भीमा की मृत खून से लथपथ लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। देखते ही देखते उस भयानक दिखने वाली काली चमड़ी वाली औरत ने
भीमा के मृत जिस्म का मांस खाना शुरू कर दिया। ये देखकर राजन की चीख निकल गई। राजन के भागने से पहले ही अचानक राजन को काली परछाइयों ने घेर लिया। उन सब के चेहरे बेहद भयानक थे। अचानक वो काली चमड़ी वाली औरत उड़ते हुए राजन के सीने पर बैठ गई। राजन की एक दिल दहला देने वाली चीख सन्नाटे को चीर गई। दूसरे दिन भीमा और राजन के लापता होने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। गांव के एक आदमी ने मुखिया से पूछा, मुखिया जी अब बस बहुत हो गया। जब जब इस गांव में कुत्ते रोते हैं, तब तब इस गांव में गलत होता है। यहाँ पे रहने वाले लोगों की गायब होने की वारदात हमारे बाप दादा उनके जमाने से होती चली आ रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आखिर हमारे कब तक नौजवान उस खंडर के डर से कब तक गायब होते रहेंगे? तुम्हें क्या लगता है? मुझे इस बात की चिंता नहीं, उस खंडर को तोड़ने की कोशिश हजार बार की गई। जब भी उस खंडर को तोड़ने जाते, दूसरे दिन खंडर खुद ब खुद खड़ा हो जाता, तुम समझे? तो फिर इसका मतलब तो यही है कि तो अब हम इस गांव को छोड़ देना चाहिए। अब इस राज से पर्दा नहीं उठने वाला। बहुत से बाबा और तांत्रिकों ने इसका पता लगाने की कोशिश की है और वो भी पता नहीं लगा पाए। कुछ ने तो अपनी जान भी गवा दी। इस बार तो मैंने किसी ऐसे चमत्कारी को बुलाया है कि वो बहुत पहुंचा हुआ तांत्रिक है। कहते हैं कि वो इतना शक्तिशाली है कि वो भूतकाल और भविष्य में आसानी से आ जा सकता है। तभी गांव वालों के कानों में तांत्रिक अघोरा की आवाज टकराई। अलख निरंजन। अघोरा मुखिया के नजदीक आकर खड़ा हो गया। मुखिया ने हाथ जोड़कर बाबा को सारा मसला बताया। रात हो गई है, ये सही वक्त है, चलो मेरे साथ। और हाँ, इस गांव में जितना भी पेट्रोल किसी के भी पास है वो सब ले लो और सारे गांव वाले इकट्ठा होकर मेरे साथ उस खंडर तक चलो। इतना कहकर सभी गांव वाले बाबा के साथ उस खंडहर पर आ गए। तांत्रिक अघोरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। अघोरा के आंखें बंद करते ही बहुत तेज हवा चलने लगी। कुछ वक्त बाद अचानक अघोरा ने अपनी आंखें खोलकर कहा, अलख निरंजन। क्या आपकी चमत्कारी से कुछ देखा आपने? हाँ मुखिया, हाँ देखा, मैंने भूतकाल में जाकर सब देखा। तांत्रिक अघोरा चीख कर बोला, कालो, उसका नाम कालो है। कई वर्षों से इस गांव के नौजवानों को मारकर उसके शरीर के मांस के साथ साथ हड्डियां तक खा जाती है। तांत्रिक अघोरा की बात सुनकर सभी गांव वालों की आंख में दहशत झलकने लगी। ये अंग्रेजों की जमाने की बात है, जब ये गांव क्रांतिकारियों के नाम से जाना जाता था। उस जमाने में उस खंडर में एक औरत रहा करती थी जिसका नाम कालो था। कालो एक बहुत खूबसूरत और खतरनाक स्त्री थी जिसके ना जाने कितने अंग्रेजी अफसरों के साथ नाजायज शारीरिक संबंध थे। कालो काला जादू करने में माहिर थी, शैतान को खुश करने के लिए। और हमेशा खूबसूरत और सुंदर दिखने के लिए वो गांव की औरतों और मर्दों को अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती पकड़ कर उनकी बलि लिया करती थी और उन बलि देकर उनका कच्चा मांस खा जाती थी। जब इस बात की भनक क्रांतिकारियों को लगी तो उन्होंने जिंदा कालो को दीवार में चुनवा दिया। लेकिन कालो अपनी आत्मा का सौदा शैतान से पहले ही कर चुकी थी। मरने के बाद कालो एक शैतान बन गई, लेकिन अब उसका वक्त खत्म। इतना कहकर अघोरी बहुत तेज आवाज में मंत्र पढ़ने लगा। देखते ही देखते अचानक उस खंडहर की दीवारें फट गई और उसमें से एक भयानक काली चमड़ी वाली औरत बाहर निकल गई। कौन है रे तू? लेकिन अघोरा ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो बेखौफ कालो के नजदीक चला गया और अचानक अघोरा ने कालो का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसने कालो का हाथ पकड़ा, वो बुरी तरह से चीखने लगी, सब लोग इसके ऊपर पेट्रोल डाल के इसे आग लगा दो। सभी ने उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और देखते ही देखते वो कालो जलने लगी और भयानक तरीके से चीखने लगी।
अचानक काले धुएं के रूप में तब्दील होकर जमीन के अंदर समा गई और वो खंडहर अपने आप टूट कर नीचे गिर गया।